जा सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने तो कोई वकील नहीं दिया, 13 मरतबा हिंदुस्तान ने कहा कि उसको काउंसलर सर्विस दो, 13 मरतबा उसको रिजेक्ट किया उन्होंने। अभी भी बोलते हैं कंडीशनल आपको हम देंगे। क्या कंडीशनल देंगे? जिनेवा कन्वेंशन है, हम तो कोई जंग नहीं कर रहे उनसे, हमारा शहरी हम मान रहे। यहां पर उनका टेररिस्ट आया तो हम उसको वकील ने तो वकील दिए उसको। 30 करोड़ खर्चा किया हिंदुस्तान अजमल कसब के ट्रायल के ऊपर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसको मौका दिए। तो ये तो हम उसके, अब तो कुलभूषण जाधव के पास ना तो कोई हथियार मिला ना कोई बंदूक मिला। अरे वो अपना इंडिया का पासपोर्ट रख के कोई स्पाई करता है क्या? तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पहले तो वो सजा गलत है और उसकी जान को बचाया जाए, और जो भी कोशिशें हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, मैं समझता हूँ कि उनको इनका काम है, अगर वकील खड़ा करना है नहीं खड़ा करना ये सब उनको सोचना है। मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पोलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूँ। हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा अपना असर इस्तेमाल करे, अपना पूरा प्रयास करे उसको वापस लाने के लिए। ट्रिपल तलाक के बारे में क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रिपल तलाक या इस्लाम में जो निकाह होता है उसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि निकाह क्या होता है, तलाक कैसे होता है। और मेरी राय यह है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी मुसलमान शादी करता है किसी औरत से, तो इस्लाम में ऐसे 17 रीजंस बताए गए जिसकी बिना पर शादी खत्म हो सकती है, तलाक हो सकता है। ये वाहिद रिलीजन है जिसमें 17 है, दूसरे रिलीजन में 5 या 6 रीजन से खाली। और अगर ये 17 रीजन से हटकर कोई, जैसा वाकया है कि कोई बेटी पैदा हुई तो उसको तलाक दे दिया, कोई प्रेग्नेंट है दे दिया, तो जब शादी हमारे पास इस्लाम में होती है तो मेहर दिया जाता है औरत को। तो मेरा बोलना यह है कि आप अगर मेहर का जो भी अमाउंट होगा उसमें आप निकाह नामे में ये लिखाई है कि अगर ये बिना किसी वजह के, जेन्यून रीजन के, एक फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर किसी मुस्लिम औरत को तलाक देता है, तो वो मेहर का अमाउंट 300% होगा, उसको पहले देना पड़ेगा औरत को। दूसरा यह है कि पूरा समाज उसका बायकॉट करे। तीसरा यह है कि कुछ पनिशमेंट तय करना जरूरी है, वो क्या पनिशमेंट होगा उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। मगर ये औरत को तलाक देने का सही तरीका नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि आपको तलाक देना है तो पहले एक मर्तबा दीजिए, फिर एक टाइम होगा, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, तो शादी खत्म हुआ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहा है कि भाई ये गलत तरीका है, मत दीजिए इस औरत को तलाक देने का, मगर तलाक हो जाती है।